तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। पी क्यू एंड आर कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, ऑल दी वोट्स पोल्ड वर वैलिड, पी गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, फॉर एवरी 40 टोटल वोट्स क्यू गॉट 18 वोट्स, द विनर गॉट 60,000 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। तो यहाँ पे तीन कंटेस्टेंट है पी क्यू एंड आर, सारे वोट्स जो यहाँ पे डले हैं वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे वैलिड, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। पी को यहाँ पे टोटल वोट का 30% मिला है, इसके बाद जो यहाँ पे क्यू को वोट्स मिले हैं जितने भी 40 वोट डले उसमें से 18 वोट्स किसको मिले, क्यू को मिले, तो जो यहाँ पे विनर हो उसको यहाँ पे 6000 वोट ज्यादा मिला है किससे, जिसके यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट कर लेंगे और एक्स मान लेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पी को वोट्स मिले वो हमें यहाँ पे कितने मिले 30% मिले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी को जो वोट्स मिले वो हमारे यहाँ पे 30% ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं, 30% ऑफ टोटल वोट्स। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्यू की, क्यू में हमारे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 40 वोट चलते हैं तो 18 वोट्स हमें यहाँ पे क्यू को ही मिलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/40, हमें यहाँ पे क्या करना है इसका परसेंटेज निकाल लेना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 9 18, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एंड इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 900/20, 0 से 0 कट गया, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 45% निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पी का निकाल लिया, क्यू का निकाल लिया, आर का हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लो 100% वोटिंग में डले, तो 100 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे 30+45 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 100% टोटल वोट है, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 30%, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 45%। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 and -45, माइनस का 75, तो जो हमारे यहाँ पे आर को वोट डले वो यहाँ पे कितने डले 25% डले हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो यहाँ पे विनर है उसको यहाँ पे 6000 वोट ज्यादा मिले, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ जिसको यहाँ पे सबसे कम वोट मिले हैं, तो यहाँ पे सिंपल नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो क्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या है विनर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू हमारे यहाँ पे क्या है विनर है, क्योंकि इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा लूजर हो जाएगा, जिसको यहाँ पे सबसे कम वोट मिले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर को यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो विनर है उसको यहाँ पे 6000 वोट ज्यादा मिले, जो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ वोट है उससे कंपेयर करें तो जो हमारे यहाँ पे विनर है वो हमारे यहाँ पे क्या है क्यू है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे आर से, और कंपेयर किससे करेंगे हम यहाँ पे 6000 वोट से। क्यू हमारे यहाँ पे क्या 45% ऑफ टोटल वोट्स है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 45% ऑफ टोटल वोट, यहाँ पे सिंपल एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 45% ऑफ एक्स। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है आर से, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% ऑफ टोटल वोट, जो कि हमारे यहाँ पे सिंपल क्या था एक्स था, इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या 25% ऑफ टोटल वोट्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या 45% ऑफ टोटल वोट्स, 45% ऑफ टोटल वोट्स। तो 45% निकालेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45% का साइन हटाएंगे तो डिवाइड 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एक्स लग जाएगा, इसको भी सिंपल करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा 25x/100 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 45-25, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20x/100 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 6000 आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x इक्वल टू यहाँ पे क्या था 6000 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 20 हमारे यहाँ पे इससे नीचे चला जाएगा, तो 6000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये वाले जीरो से हमारे यहाँ पे ये वाले जीरो कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, एंड 300 को हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 30,000 आ गई। तो 30,000 जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो हमारे यहाँ पे डले थे। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।